नमस्ते, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फार्मेसी एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको दरिद्रता दूर करके धन प्राप्ति कराने वाले प्रयोग के बारे में बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रयोग विधि इस प्रकार है। इस प्रयोग में हम माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नामों का प्रयोग करेंगे। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर माता लक्ष्मी के आगे एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और एक सफ़ेद कागज़ पर माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नामों को आप लिख लें। नाम इस प्रकार हैं: ओम देव सघाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सरिलाय नमः, ओम गुगलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम चिकलिताय नमः। इन नामों को एक कागज़ पर लिखकर आप फ्रेम करा के अपने पूजा के मंदिर में रख दें और लगातार 30 दिन तक इन नामों के आगे प्रातः और शाम के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर धूप दीपबत्ती दिखाएं और इन नामों का आप कम से कम सुबह शाम एक एक बार पाठ करें। 30 दिन लगातार ऐसा करने के बाद आप जब भी किसी कार्य पर जाएं या अपने व्यापार स्थल पर जाएं, अपनी जॉब पर जाएं, तो आप इनका दर्शन, इस यंत्र का दर्शन करके निकलें और अगर संभव हो और समय हो तो इसका एक बार आप पाठ करके निकलें। ऐसा करने से आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आपको धन प्राप्ति के मार्ग प्राप्त होंगे। और आपको जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे तो शुरू से लेकर 30 दिन के उपरांत आपको कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आपको धन प्राप्ति का योग भी मिलेगा। अब तक हमने अपने जितने भी क्लाइंट्स को ये प्रयोग बताया है उन सभी को किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्ति हुई है और उन्हें शुभ समाचार की प्राप्ति हुई है। मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा प्रयोग बताया जो आपकी दरिद्रता दूर करेगा और आपको धन प्राप्ति के मार्ग प्राप्त करेगा। और जब नवरात्रे आते हैं तभी आप इस यंत्र को गंगा जल से साफ करके इसके ऊपर गुलाब का इत्र लगा करके दोबारा से नवरात्रि के पहले नवरात्रे से और नौवें नवरात्रे तक आप सुबह शाम देसी घी का दीपक जला करके इसका फिर दोबारा से इन 18 नामों का पाठ करें। अगर आप इस प्रकार करते हैं तो यह यंत्र सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के पश्चात यह आपको सफलता के नए नए मार्ग प्रदान करता है और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते आपको देता है और आपके घर में धन और लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। इस प्रयोग को आप करके देखिए। इस प्रयोग को जिस जिसको भी अब तक बताया है उन सबको धन की प्राप्ति हुई है। आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई इस प्रयोग को लेकर कोई सवाल है या कोई शंका है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं यथाशक्ति उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।